रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास बच्चों, आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 का बच्चों लेक्चर नंबर 4 है और आपका टॉपिक चल रहा था नर्व सेल या न्यूरॉन। अब हम देखेंगे उसका पार्ट 2 देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फंक्शंस के लिहाज से बच्चों, काम के लिहाज से, अफ़ाल के लिहाज से, ठीक है, न्यूरॉन्स की 3 किस्में होती हैं। फंक्शंस के लिहाज से न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं, 3 किस्में होती हैं। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। इट कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बच्चों, एक न्यूरॉन है जो पैगाम को रिसेप्टर से पकड़ता है। कहाँ से? रिसेप्टर से। और उस पैगाम को कहाँ ले जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाता है। और आपको पता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो वो न्यूरॉन जो पैगाम को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाए, उस न्यूरॉन का नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन। और पैगाम किस शक्ल में जाता है? नर्व इंपल्स की शक्ल में। किस शक्ल में? नर्व इंपल्स की शक्ल में। कहाँ से कहाँ तक? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे न्यूरॉन को विच कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। सो ये डेफिनेशन आपने क्लियर की। इट कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब स्ट्रक्चर की बात करें, ये सेंसरी न्यूरॉन कैसे होते हैं? दे हैव 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। एक डेंड्राइट होती है इनके पास, लाइक इस तरह मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक डेंड्राइट होती है इनके पास इस तरह, और एक क्या होता है इनके पास? एक्सॉन होता है। एक डेंड्राइट और एक इनके पास क्या होता है? एक्सॉन होता है। ठीक हो गया। 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन स्ट्रक्चर है इसकी। आगे चलते हैं इंटर न्यूरॉन की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? इंटर न्यूरॉन की तरफ। वो न्यूरॉन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं बच्चों, वो न्यूरॉन जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो न्यूरॉन जो ब्रेन में हो या स्पाइनल कॉर्ड में हो, जिनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। 3 तरह से ये आपको आना चाहिए, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, वो न्यूरॉन जो कोऑर्डिनेटर्स में हो, वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो, या वो न्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में हो, उन सब न्यूरॉन्स को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। फिर इस इंटर न्यूरॉन के बहुत सारे और नाम भी हैं, इनको आपने इंटर न्यूरॉन याद रखना है। इनको रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको इंटर मीडिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और इनको एसोसिएशन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। खैर, इंटर न्यूरॉन दे फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इंटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। जब उनके अंदर पाए जाते हैं तो बेसिकली वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन। इन इंटर न्यूरॉन का क्या काम होगा? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इंटरप्रेट करना यानी कि तजिया करना, देन स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन, और फिर किसको मुतहरिक कर देना, किसको एक्टिव कर देना, मोटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देना। पहली बात, वो न्यूरॉन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाए वो इंटर न्यूरॉन है। काम, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट यानी कि उनका तजिया करते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देते हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स। इनके पास डेंड्राइट्स क्या होती हैं? ज़्यादा, और एक्सॉन्स भी क्या होते हैं? ज़्यादा। लाइक ये सेल बॉडी अगर हम बनाएं, क्या बनाएं बच्चों? सेल बॉडी अगर हम बनाएं तो इनके पास डेंड्राइट्स भी बहुत सारी होती हैं। डेंड्राइट्स भी, इनके छोटे फाइबर्स भी बहुत सारे होते हैं, और एक्सॉन्स भी बहुत सारे होते हैं। सो मैं इसको कहूँगा दे हैव मैनी डेंड्राइट्स, दे हैव मैनी एक्सॉन्स। ये कौन से न्यूरॉन्स होंगे? इंटर न्यूरॉन्स होंगे।
सो दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स। आगे चलते हैं मोटर न्यूरॉन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब आप क्या देखने लगे हैं, मोटर न्यूरॉन्स, इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू द मसल एंड ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड इफेक्टर। सो ऐसे न्यूरॉन बच्चों जो इंटर न्यूरॉन्स है, किससे, इंटर न्यूरॉन्स से, जो कहाँ होते हैं, जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, सो वो न्यूरॉन जो पैगामात को कहाँ ले जाएं, पैगामात को ले जाएं इफेक्टर्स में। और आपको पता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर्स दो होते हैं, मसल्स और ग्लैंड। मसल का काम कंट्रैक्ट करना और ग्लैंड का काम सिक्रीशन बनाना। ठीक है, सो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होंगे जो पैगाम को इंटर न्यूरॉन्स से, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से या कोऑर्डिनेटर्स से कहाँ ले जाएं, इफेक्टर तक पैगाम को ले जाएं, ऐसे न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन। तो जो आपने डायग्राम देखी थी ना, जब आपने न्यूरॉन का टॉपिक पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें मोटर न्यूरॉन की डायग्राम थी बेसिकली, वो जिसके पास आपने क्या देखी थी, जिसके पास आपने बहुत सारी डेंड्राइट्स देखी थी, बहुत सारी डेंड्राइट्स देखी थी और एक एग्जॉन देखा था। एग्जॉन एक था, एक डेंड्राइट्स क्या थी बच्चों, डेंड्राइट्स ज्यादा थी। तो स्ट्रक्चर भी हो गई आपकी कि दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एग्जॉन, ओनली वन एग्जॉन। एग्जॉन मोटर न्यूरॉन के पास एग्जॉन एक होता है, लेकिन डेंड्राइट्स ज्यादा होती हैं। काम क्या होता है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू द मसल एंड टू द ग्लैंड विच आर कॉल्ड इफेक्टर। कोई आपको आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन से न्यूरॉन है जो पैगाम को ब्रेन से इफेक्टर में ले जाए, कौन से न्यूरॉन है जो स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर में पैगाम को ले जाते हैं, कौन से न्यूरॉन है जो इंटर न्यूरॉन से या कोऑर्डिनेटर से पैगाम को इफेक्टर तक ले जाएं, आप कहेंगे मोटर न्यूरॉन। सही हो गया, तो मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन से पैगाम को मसल और ग्लैंड में ले जाते हैं, और मसल और ग्लैंड क्या है, इफेक्टर है। किसी भी तरीके से पूछे आपको क्लियर बताओ कि मोटर न्यूरॉन पैगाम को यहां से लेते हैं और इनके पास ले जाते हैं और इनको इफेक्टर्स कहते हैं। आगे चलें नर्व की डेफिनेशन देखते हैं। अब बच्चों हमने नर्व्स और गैंग्लिया को देखना है। ठीक है, मैं आपको समझा दूं दोबारा कि नर्वस सिस्टम इंसान के अंदर और जानवरों के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है। वो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, दूसरा हिस्सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन पर और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स पर मुश्तमिल होता है और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। अब देखते हैं नर्व्स और गैंग्लिया क्या होते हैं बच्चों। ये आपके सामने डायग्राम है। ठीक हो गया बच्चों, ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन मैं बना रहा हूं। ठीक हो गया, तो ये दूसरा न्यूरॉन है और ये बच्चों तीसरा न्यूरॉन है और ये उसका एग्जॉन है। अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तीन न्यूरॉन है लेकिन उनके जो एग्जॉन्स है वो आपस में मिल चुके हैं, उनके एग्जॉन आपस में मिल चुके हैं और उन एग्जॉन्स के ऊपर लिपिड की तह आ गई है। एग्जॉन्स का मजमुआ है, किसका मजमुआ बच्चों, एग्जॉन्स की कलेक्शन है, एग्जॉन्स का मजमुआ है और उसके ऊपर किसकी तह आ चुकी है, फैट की तह आ चुकी है, लिपिड की तह आ चुकी है। तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को नर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नर्व कहा जाता है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ, नर्व सेल के साथ, नर्व सेल के साथ जिसका दूसरा नाम न्यूरॉन था उसके साथ आपने इसको मिलाना नहीं है, ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। नर्व सेल या न्यूरॉन तो ये पूरी डायग्राम है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई ये न्यूरॉन है, जिसमें डेंड्राइट्स भी आ जाती हैं, इसमें सेल बॉडी भी आ जाती है, इसमें एग्जॉन्स भी आ जाता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एग्जॉन, ये पूरी स्ट्रक्चर, ये पूरा सेल क्या कहलाता है, नर्व सेल कहलाता है या न्यूरॉन कहलाता है। अकेला नर्व नहीं बोलना, नर्व अकेली डिफरेंट चीज होती है, एग्जॉन्स का मजमुआ। नर्व क्या होती है, एग्जॉन्स का मजमुआ जिनके ऊपर लिपिड की लेयर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं।
बाज़ का ये तो नर्व है, इसी तरह बाज़ का सेल बॉडीज मिल जाती हैं। ये एक न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है, ये एक अगला न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है, ये अगला न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है। तो सेल बॉडीज इकट्ठी हो गई और उनके ऊपर भी लिपिड की एक तह आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस स्ट्रक्चर को गैंगलिया कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को गैंगलिया, वो किसका मजमुआ है? सेल बॉडीज का, सेल बॉडीज का। इसको आप क्या कहते हो? सेल बॉडी, कि जहां पे न्यूक्लियस मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उस हिस्से को आप क्या कहते हो? न्यूरॉन के उस हिस्से को आप सेल बॉडी कहते हो। और उस सेल बॉडीज के ऊपर क्या आ चुकी है? लिपिड की तह आ चुकी है। तो ये क्या है? गैंगलिया। सिंपल कर ले, सेल बॉडीज का मजमुआ गैंगलिया है और एक्सॉन्स का मजमुआ क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है। तो यही आपने पढ़ना है। नर्व मीन यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स, यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स का मजमुआ, यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स, बहुत सारे एग्जाम का मजमुआ, दैट आर एनवेलप बाई ए कवरिंग मेड अप ऑफ लिपिड, जिनके गिर्द क्या होती है? कवरिंग, और वो कवरिंग किससे मिलकर बनती है? लिपिड से बनती है। बहुत सारे एग्जाम का मजमुआ जिनके गिर्द लिपिड की तय होती है, उन सबको क्या कहते हैं? हम नर्व कहते हैं। आगे चलते हैं। नर्व तीन किस्म की होती है। कितनी किस्म की नर्व? तीन किस्म की नर्व। नाम से जाहिर है, सेंसरी नर्व, ये है सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व में जो एग्जाम्स होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन्स के एग्जाम्स होंगे। सो सेंसरी नर्व्स कंटेन एग्जाम्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली। सेंसरी न्यूरॉन जो आपने ऊपर पढ़े थे, सेंसरी न्यूरॉन जो पैगाम को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक ले जाते हैं, उन न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अगर सेंसरी न्यूरॉन के एग्जाम्स इकट्ठे हो जाए तो उससे सेंसरी नर्व बनती है। तो सेंसरी नर्व कंटेन द, नर्व में होते एग्जॉन्स हैं। सो सेंसरी नर्व कंटेन द एग्जॉन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन ओनली। जबकि मोटर नर्व क्या होती है? कंटेन एग्जॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। मोटर नर्व में मोटर न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स हैं, सेंसरी नर्व में सेंसरी न्यूरॉन के एग्जॉन्स हैं। आगे मिक्स नर्व, मिक्स नर्व में कुछ एग्जॉन्स सेंसरी नर्व न्यूरॉन के होते हैं और कुछ मोटर न्यूरॉन के होते हैं। नाम से जाहिर है, मिक्स नर्व कंटेन एग्जॉन ऑफ द बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, कि मिक्स नर्व में एग्जॉन्स होते हैं किसके? दोनों के, सेंसरी न्यूरॉन्स के भी और मोटर न्यूरॉन्स के भी। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर बेटा ये जो एग्जॉन्स हैं, ये वाले जो एग्जॉन्स हैं इकट्ठे हो गए तो नर्व है। अगर ये एग्जॉन्स है किस न्यूरॉन के? सेंसरी न्यूरॉन के, तो ये होगी सेंसरी नर्व। अगर ये वाले एग्जॉन मोटर न्यूरॉन के होते तो ये मोटर नर्व होती। अगर इसमें से कुछ एग्जॉन सेंसरी न्यूरॉन के होते, कुछ मोटर न्यूरॉन के होते, तब ये नर्व मिक्स नर्व कहलाती। अब चलते हैं गैंगलिया की तरफ। गैंगलिया इन सर्टेन पार्ट्स, जिसम के कुछ हिस्से में सेल बॉडीज ऑफ, ये सेल मेन लफ्ज गैंगलिया के लिए, ये लफ्ज याद रखना है, सेल बॉडी। ठीक है बच्चों, नर्व के लिए एग्जॉन्स, जबकि गैंगलिया के लिए सेल बॉडीज, सेल बॉडीज गैंगलिया। सो इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसम के कुछ हिस्सों में मैनी न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ द मैनी न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज फॉर्म ए ग्रुप, क्या बनाती हैं? ग्रुप बनाती हैं, एनवेलप्ड बाय ए मेम्ब्रेन, और उस ग्रुप के गिर्द क्या आ जाती है? मेम्ब्रेन आ जाती है। ग्रुप के गिर्द क्या आ जाती है? मेम्ब्रेन आ जाती है। सो सेल बॉडीज का मजमुआ जिसके गिर्द मेम्ब्रेन आ जाए, उस सेल बॉडी के मजमुए को गैंगलिया हम कहते हैं। तो ये यहाँ से क्लियर है कि ये आप देख रहे हैं कि इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी सेल बॉडीज, क्या बच्चों? सेल बॉडीज ऑफ द मैनी न्यूरॉन फॉर्म ए ग्रुप एनवेलप्ड बाय ए मेम्ब्रेन, दिस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी एनवेलप्ड बाय ए मेम्ब्रेन इज नोन एज गैंगलिया। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था। अच्छे तरीके से आपको पता हो नर्व और गैंगलिया में क्या फ़र्क है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं, सेंसरी नर्व क्या होती है, मोटर नर्व क्या होती है, और मिक्स नर्व क्या होती है। अल्लाह हाफिज़।